अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिफाइंड एज एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, यानी कि एक अग्रीमेंट जिसको हम लॉ के द्वारा इन्फोर्स करवा सकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। सो गाइज, वेलकम टू माई चैनल के आर कॉमर्स क्लासेस, और इस वीडियो लेक्चर में हम रिवाइज करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवाइज करने वाले हैं, जिसके अंदर जब हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डेफिनेशन दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन एच के अंदर दिया हुआ है, एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, यानी कि अग्रीमेंट होना चाहिए जिसको इन्फोर्स करवाया जा सके, और जिसको इन्फोर्स करवाया जा सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। दोस्तों, इसमें दो चीज़ जनरेट होता है, फर्स्ट नंबर है अग्रीमेंट और दूसरा होता है ऑब्लिगेशन। तो हम सबसे पहले अग्रीमेंट देखते हैं, अग्रीमेंट क्या होता है। तो अग्रीमेंट का डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन ई ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर इच अदर इज एन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट क्या है, तो ये प्रॉमिस यानी कि प्रॉमिस और प्रॉमिस का सेट है जो कि एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन जनरेट करके देता है, कंसिडरेशन फॉर्म करके देता है। दोस्तों, अब कंसिडरेशन कैसे फॉर्म होता है, मान लेते हैं हम एक डेफिनेशन एक एग्जांपल लेते हैं कि ये एक टीचर है, ठीक है। उतना अच्छा ड्राइंग तो मेरे से नहीं बनता है, फिर भी मैं बना रहा हूँ। अच्छा, ये टीचर है और ये वो स्टूडेंट, ठीक है। ये टीचर है, ये टीचर क्या बोलता है अपने स्टूडेंट को कि बेटे मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, क्या करूँगा, ये टीचर इसको पढ़ाने वाला है, और बदले में ये स्टूडेंट क्या देगा, इसको स्टूडेंट देगा फी। स्टूडेंट क्या देगा अपने टीचर को, फी। तो ये टीचर जो इसको पढ़ाएगा, तो इसके पास जो नॉलेज आया, इसके दिमाग में जो नॉलेज भरा, वो इसके लिए कंसिडरेशन है, और इस टीचिंग के बदले ये टीचर को जो फी मिला, ये टीचर को जो मनी मिला, वो क्या है, टीचर के लिए कंसिडरेशन है। तो अग्रीमेंट में क्या बता रहे, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू इच अदर इज एन अग्रीमेंट। जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन जनरेट करके दे वो क्या होता है, अग्रीमेंट होता है। चलिए दोस्तों, अब हम क्या देखने वाले हैं कि सेक्शन 2 सब सेक्शन बी के अंदर दिया हुआ है, व्हेन द पर्सन टू हूम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज इज एसेंट देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। यानी कि यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जब आप किसी को कुछ प्रपोजल देते हो और वो अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो उसको हम प्रॉमिस बोलते हैं। अभी हमने देखा यहाँ पे कि प्रॉमिस का सेट होना चाहिए, तो प्रॉमिस का सेट होने के लिए क्या जरूरी है, यहां पे प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू क्या बनेगा, प्रॉमिस, ये प्रॉमिस बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद हम देखते हैं अग्रीमेंट। अग्रीमेंट को हम देखने से पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या दो चीज़ जरूरी है। तो फर्स्ट नंबर बोल रहा है प्लूरेलिटी ऑफ पर्सन, और दूसरा क्या है कि कंसेंसस एड एडम। प्लूरेलिटी ऑफ पर्सन मतलब हो गया कि मिनिमम दो आदमी होना चाहिए, एक आदमी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अकेले आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट करोगे। मान लो कि आप अपने एक हाथ में पेन दे देते और दूसरे को बोलते तुम जब तक पेमेंट नहीं करोगे तब तक मैं ये पेन नहीं दूंगा तुम्हें, तो ऐसा कुछ हो सकता है, एक आदमी खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो मिनिमम दो आदमी मस्ट है होना जरूरी है। और कंसेंसस एड एडम में मतलब इसको हम बोलते हैं सेम थिंग इन सेम सेंस, यानी कि जब दो लोग एक ही बात पे अग्री कर जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंसेंसस एड एडम, सेम थिंग इन सेम सेंस। चलिए इसके बाद हमारा कुछ ऑब्लिगेशन जनरेट हो जाता है। ऑब्लिगेशन कैसे जनरेट होता है, तो अब आप अपने सामने वाले को, यानी कि अब एक ऑफरर क्या बोलता है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, अब पढ़ाना क्या हो गया, उस टीचर के लिए ऑब्लिगेशन बन गया। वहीं पे एक स्टूडेंट बोलता है अपने टीचर को कि सर मैं आपको फ़ी देने वाला हूँ, तो वो फ़ी उस स्टूडेंट के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्लिगेशन बन जाएगा। तो ऑब्लिगेशन मतलब जो आपको पूरा करना है। इसके बाद आता है हमारा राइट एंड ऑब्लिगेशन। राइट एंड ऑब्लिगेशन मतलब क्या हो गया कि
हर एक आदमी के पास कुछ ना कुछ राइट होगा और कुछ ना कुछ क्या होगा, ऑब्लिगेशन होगा। हर एक आदमी के पास कुछ ना कुछ राइट होगा और कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन होगा। तो चलिए हम इस वाले एग्जाम्पल में देखते हैं। तो ये जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को, स्टूडेंट का क्या राइट है? एजुकेशन, एजुकेशन इसका राइट है। ये अपने टीचर से एजुकेशन डिमांड कर सकता है, और यही एजुकेशन इसके लिए क्या है, टीचर के लिए ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन है वहीं पे इस टीचर के लिए ये जो टीचर है, इस टीचर के लिए फी क्या है, ये फी टीचर के लिए राइट है, ये फी टीचर के लिए राइट है। और इस स्टूडेंट के लिए यही क्या चीज़ है, ऑब्लिगेशन बन जाता है। यानी कि हर एक प्रॉमिस एक किसी के लिए राइट बनेगा और किसी के लिए ऑब्लिगेशन बनेगा। इसके अंदर एक एग्जांपल दिया हुआ है, एज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर, ए इज अंडर ऑब्लिगेशन टू डिलीवर द कार। यानी कि ए बी को प्रॉमिस करता है कि मैं अपना कार तुम्हें सेल करूंगा 10 लाख रुपए में। तो ए का क्या ऑब्लिगेशन है, ए अपना कार बी को देगा, बी के पास राइट है उस कार को लेने का। वहीं पे बी के पास क्या ऑब्लिगेशन है, 10 लाख रुपए देने का। और ए के पास क्या राइट है, वही राइट ए के पास है कि वो 10 लाख रुपए ले सकता है। चलिए इसके बाद हमारा आता है अग्रीमेंट विच आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अब कुछ अग्रीमेंट ऐसा भी होता है जिसको कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं बोल सकते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर है अग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर्स। सोशल मैटर्स पे अगर कुछ अग्रीमेंट बनता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि अब अपने दोस्त को बोलते हो कि मैं तुम्हें पार्टी देने वाला हूँ, अब बर्थडे आपका बीत गया, आपने पार्टी नहीं दिया अपने दोस्त को, तो क्या आपका दोस्त आपके ऊपर केस कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसीलिए सोशल अग्रीमेंट को हम क्या मानते हैं, सोशल मैटर्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर है डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। डोमेस्टिक एग्रीमेंट होगा तो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। इसके अंदर एक केस स्टडी है विलफोर्ड वर्सेस विलफोर्ड। इस विलफोर्ड वर्सेस विलफोर्ड का नाम याद रखना है, एक विलफोर्ड हस्बैंड है और दूसरा विलफोर्ड वाइफ है। हुआ ये था कि विलफोर्ड नाम का जो हस्बैंड था वो बाहर देश में जाता है कमाने के लिए इंग्लैंड में, लेकिन इसकी वाइफ अपने गाँव में रह जाती है। अब जब वेलफोर उधर से बोलता है कि मैं जाता हूँ, तुम्हें हर महीने महीने पेमेंट करता रहूँगा, पैसे सेंड करता रहूँगा, तुम्हारे घर का खर्चा चलता रहेगा, लेकिन कुछ वजह से वेलफोर जो हस्बैंड है वो अपने वाइफ को पैसा नहीं भेज पाता है। उसके वाइफ को गुस्सा आता है और उसके उसकी वाइफ चली जाती है उसके ऊपर केस करने। लेकिन बाद में केस का वर्डिक्ट आता है कि नहीं, वो जो आपका एग्रीमेंट है वो डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। चलिए तो उस केस में क्या बोला गया कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ क्या है, अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद आपका आता है थ्री कंसिक्वेंसेस फॉलो फ्रॉम द एवर डिस्कशन। अब ऊपर के इन बातों से हमें तीन तरह का कंसिक्वेंसेस मिलता है। अब ये कौन कौन सा है, तो पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब जो लोग हैं उसमें, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उन लोगों को क्या चाहिए कि वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करें। अब लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कैसे होगा, तो जब आप डोमेस्टिक एग्रीमेंट में नहीं होंगे, सोशल मैटर्स में नहीं होंगे, तो वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होगा। अब आप अपने दोस्त को बोलते हो कि भाई ये लो 50,000 रुपये, मेरे लिए आईफोन लेते आना। अब आपका दोस्त आपके लिए आईफोन लेके नहीं आता है, वो आपके पैसे को खा जाता है, तो उस केस में आप चाहो तो उसके ऊपर केस कर सकते हो, वो कॉन्ट्रैक्ट है। चलिए उसके बाद क्या है, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज लॉ ऑफ दोज एग्रीमेंट विच क्रिएट ऑब्लिगेशन। यानी कि जब तक ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होगा तब तक उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते हैं। अब मान लो कि कोई टीचर आपको बोलता है कि मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा, ठीक है, फ्री में पढ़ाऊंगा। अब फ्री में जो आप पढ़ रहे हो, 10 दिन बाद वो टीचर पढ़ाना बंद कर देता है, इस केस में आप उस टीचर के ऊपर केस नहीं कर सकते। उस टीचर का वो ऑब्लिगेशन नहीं था और आपके ऊपर भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं था उसको पेमेंट करने का, तो इसीलिए ऑब्लिगेशन होना जरूरी है। चलिए उसके बाद हमें बता रहा है कि अग्रीमेंट इज द जेनस ऑफ विच कॉन्ट्रैक्ट इज स्पेस एंड देयर फॉर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो सकते हैं। जैसे कि तालाब से आप एक लोटा पानी निकाल लो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, लेकिन
तालाब का पानी एग्रीमेंट रहेगा, यानी कि सारा पानी एग्रीमेंट है लेकिन लोटे में निकाला हुआ पानी कॉन्ट्रैक्ट है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। चलिए इसके बाद हमारा आता है इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, एक वैध कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, वैध अनुबंध बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर 5 चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है, और वो 5 चीज़ कौन कौन सा है तो इसके अंदर हम डेफिनेशन देखते हैं जो कि सेक्शन 10 में दिया हुआ है। ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट, अगर उसको फ्री कंसेंट से बनाया गया है, पार्टी इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और वो पार्टी जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो पार्टी कॉम्पिटेंट है, फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, और उसके बदले में जो कंसिडरेशन मिलने वाला है वो लॉफुल होना चाहिए, कुछ गलत कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, विथ अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, और आपका ऑब्जेक्ट भी सही होना चाहिए, एंड नोट हार वे एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड, और वो वाइड भी नहीं होना चाहिए। तो एक एक करके समझते हैं कि इसमें 5 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट नंबर है फ्री कंसेंट, सेकंड नंबर है पार्टीज का कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कंपिटेंट पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। और तो ये 5 चीज़ें, फ्री कंसेंट मतलब होता है स्वतंत्र सहमति, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर कोई प्रताड़ना नहीं होना चाहिए कि नहीं तुम जब तक इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करते हो तब तक मैं तुम्हारे बच्चे को किडनैप करके रखूंगा, या फिर आपके कनपट्टे में बंदूक सटा के रखेगा और बोलेगा चलो चलो कॉन्ट्रैक्ट करो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड नंबर है पार्टी इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि पार्टी इनकैपेबल नहीं होना चाहिए, कम्पिटेंट होना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम्पिटेंट नहीं होते हैं, वो कौन कौन से लोग हैं, तो फर्स्ट नंबर आता है मैनर जो 18 साल से कम का है, अनसाउंड माइंड जो पागल आदमी है लुनेटिक, उसके बाद आता है नशेड़ी, ठीक है वो भी अनसाउंड माइंड में ही आ जाता है, उसके बाद कौन आता है इंसॉल्वेंट लोग आते हैं जिसके ऊपर केस चल रहा है वो लोग आते हैं, तो वो हो गया आपका कंपिटेंट पार्ट, इनकम्पिटेंट पार्टीज तो वैसे लोग नहीं होने चाहिए। उसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन यानी कि आपको जो उसके बदले कंसिडरेशन मिलेगा वो लॉफुल होना चाहिए, कुछ गलत नहीं होना चाहिए, आपका जो ऑब्जेक्ट होगा कॉन्ट्रैक्ट करने का वो सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। और क्या है, और हार्वे एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू वाइड, और वो वाइड नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर आपको कोई बोलता है कि मैं चांद तोड़ के लेके आऊँगा तो ये पहले से ही वाइड है, इसको आप ठीक नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये 5 चीज था। चलिए इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, इसके बाद का चीज हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।